ਯੂਨਾਨ ਹੈ ਜਰਮਨ ਜਰਮਨ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਟਲੀ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਗਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਪਲੰਬਰੀ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ किचन का काम कराना वो भी काट लेता है किचन का काम इतने ज़्यादा हुनर एक ही बंदे के पास ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अदीज मिलोड़ा, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सियालकोट शहर से है। इकबाल के शहीन एक और शहीन हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये एक ऐसे शहीन हैं जिन्होंने इटली के अंदर आकर इतनी मेहनत की और इतनी लगन के साथ यहाँ पर काम किया और अपना लोहा मनवाया। जी हाँ नाज़रीन, इन्होंने यहाँ पे ऐसे कौन से काम हैं जो पाकिस्तान से सीख कर आए हुए हैं जिसकी बदौलत इनकी इतनी डिमांड है कि घोड़े भी इनके आगे पीछे घूमते हैं, काले भी इनसे काम करवाने के लिए इनके आगे आगे पीछे पीछे होते हैं। तो आज इनसे जानेंगे इनकी स्टोरी के बारे में कि ये कब इटली में आए और कैसे इन्होंने ये सफ़र स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मोहम्मद अरशद भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। तो मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, सियालकोट रहने वाला हूं। तो आज मैं काम पाकिस्तान में काम किया करता रहा, बिजली का काम करता है, दूजा कलंबी का भी काम कर लेते हैं, जो भी है गड्डिया का कोई निका मोटा थोड़ा काम मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, लाइटा बदल लो, कोई किसी बदलना नहीं हो, जरा तेल बदलना हो मैं तेल बदल ले आता जी। अच्छा मोहम्मद अरशद भाई, तुम एक गल दसो, इटली से तुम कितनी देर होगी इटली में तुम आए हो? मैं 2017 में आया इधर से। तुम पाकिस्तान लैके इतने यूरोप तक कितना टाइम हो गया तुम्हें, इतने कितने साल हो गए? मुझे 13 साल हो गए ने। 13 साल पहले तुसी किथे आए सो? यूनान। पहले यूनान। यूनान है जर्मन, जर्मन है फ्रांस। जर्मन तुसी किन देर रहे हो? 2 साल रहे हैं। ते फ्रांस किन देर रहे हो? फ्रांस में 6 महीने रहे हैं। फ्रांस तो बाद तुसी किथे आए हो? इटली में आया। इटली किन देर हो गई? इटली में 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। दोस्तों देख लें भाई, अपना सफ़र, अपनी मंजिल, हर जगह पर इन्होंने अपना टाइम गुजारा। अच्छा अरशद भाई, तुसी एक चीज़ दसो, देखना पता चल जाए कि तुसी फ्रांस भी रहे हो, जर्मनी भी रहे हो और ग्रीस भी रहे हो, इन्होंने मुल्कों तुसी क्यों नहीं ठहरे, क्यों तुसी अगे आ गए हो? उधर से मैंने कोई दिस नहीं, कोई पेपर का कोई बंदोबस्त नहीं होता, मैं इस वास्ते आया हूँ। मैं कोई इधर पेपर लग जाते सुजोर में पाकिस्तान टूट जाता है, तो सुजोर में पाकिस्तान वापस भी आ जाता है। मैं इस वास्ते इधर से आया सर, तो इधर मैं पाकिस्तान जा सकता। मैं तो दोस्तों बात यह है कि ये एक स्टोरी है, ये हर उस पाकिस्तानी की या बंदे की स्टोरी है जो बंदा भी यूरोप के अंदर आता है, हर बंदे का दिल करता है कि यार हम यूरोप का हर कंट्री घूमें, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, उसके बाद नैदरलैंड है, स्वीडन है, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, वो मुल्क घूमते हैं, लेकिन एट द एंड वो इटली में आते हैं और इटली में आके उनको ये पता होता है कि यहाँ इटली आपको डॉक्यूमेंट्स भी देता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको अच्छा रोज़गार भी मिलता है और स्टार्टिंग के ऊपर इटली आपको स्टैंड भी करता है, बहुत सी सहूलियाँ देता है। तो अच्छा मोहम्मद अरशद साहब, तुम जो इतने आ गए हो और इतने आके तुम पेपर जमा कराए ने, तो की बने पेपर का? पेपर मिल गए ने? पेपर ही नहीं मिले, अजय 2 साल के अप्लाई किया, 2 साल अजय वो मेरे फिंगर दे गया, मेरे 9 महीने हो गए ने, तो 4 महीने बाद मेरे जो सजोर परौंत हो गई है, तो 5 महीने हो गए परौंत सजोर नहीं देते, जो इतने चेक कराया उन्हें इतने नहीं आई, अभी नहीं आई। माशाल्लाह जैसे ही ये इटली में आए और इटली में आके इन्होंने फिर अपने फिंगर वगैरह दिए, यहाँ पे अजील वगैरह करवाई और अजील वगैरह करवाने के बाद दोस्तों इनका ये सीन हुआ कि इन्होंने फिर एक दुमांदा आया था जिसे कहते हैं कि एक इमिग्रेशन खुली थी, इन्होंने यहाँ पर इमिग्रेशन को अप्लाई किया और उस इमिग्रेशन को जब अप्लाई किया उसके चंद माह बाद ही इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी हो गए। अभी डॉक्यूमेंट्स इनके अदारे के जो यहाँ पर अदारा है वहाँ पर पड़े हुए हैं और बहुत जल्द इनको इनके पेपर भी मिल जाएंगे और इस वजह से ये अपने मुल्क में भी आ जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये जो हुनर आता है, जो दोस्त पूछते हैं कि काम कौन सा सीखना है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता है जी हाँ ठीक है, उसके बाद आपको गाड़ियों का काम भी आता है जी है, प्लम्बरी भी आती है जी जी, और ये साइकिल का रिपेयरिंग का काम भी आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो ये किचन का काम कराना वो भी काट लेता है, किचन का काम। इतने ज़्यादा हुनर एक ही बंदे के पास, ये यकीन करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जब गिफ्ट अल्लाह ताला की ज़ात किसी को देती है तो इस तरह से मिलता है कि इस बंदे को
जुबान नहीं आती लेकिन हुनर इतना है कि घोड़े भी हाथों पे उठाते हैं। अगर आपके पास कोई भी हुनर है, कोई भी टैलेंट है, तो आप अगर सफ़र पर निकलने के लिए रेडी हैं, आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जाने वाले हैं, तो याद रखें आपका ये हुनर आपके काम आने वाला है। ये वो हुनर है जिसकी वजह से घोड़े भी आपके पीछे 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 होते हैं और इसी वजह से ये यहाँ पर कामयाब हैं और इनको हर बंदा चाहता है। अब जो लोग भी यहाँ इटली के अंदर, पोर्टोनोने के अंदर और आसपास के सिटी के अंदर यहाँ पे रहते हैं, कोई भाई भी अपना साइकिल का काम, गाड़ी का तेल चेंज करवाना है, लाइट्स चेंज करवानी है, प्लम्बरी का घर का कोई मसला वो करवाना चाहते हैं, किसी का इलेक्ट्रिशियन का मसला है, कोई घर की बिजली वगैरह, जितने भी दोस्त हमारे इटली पोर्टोनोने और आसपास के गाँव के अंदर रहते हैं जो वीडियो ये देख रहे हैं, तो मैं इनका मोहम्मद अर्शद साहब का नंबर भी स्क्रीन के ऊपर चला रहा हूँ आपकी, आप ये नंबर नोट कर लें। अगर आपको कोई भी काम हो आप इनसे अपने काम करवा सकते हैं, जो इनका हक बनता है वो आप उनको दे दें और ये आपसे टाइम भी डिसाइड कर लेंगे किस टाइम पर ये अवेलेबल होते हैं और आप अपने काम करवा सकते हैं। ये एक मोटिवेशन स्टोरी थी इनकी, इन्होंने यहाँ आकर इतनी मेहनत की और मेहनत का सिला भी अब इनको मिल रहा है, जो हुनर सीखा हुआ है। ये आप सबके लिए मोटिवेशन है कि आपको क्या सीख कर आना चाहिए। इनकी वीडियो से, इनकी बातों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम सीख कर आना चाहिए। अगर आप लेबर के अंदर हैं तो आपके पास ये हुनर होने चाहिए। अर्शद साहब, आप सियालकोट से हैं, अगर आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें, क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी दोस्त आपको देख रहे हैं? इनको आपको सलाम तक बहुत बहुत सलाम तक दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी जो मेरे तामन करेंगे। इंशाल्लाह तावन करेंगे, तावन करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हमारे पाकिस्तान से देखने वाले हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों से, उनके लिए क्या पैगाम है, कोई अच्छा सा मैसेज? कोई मैसेज क्या करना है, कोई मोहब्बत वाला पैगाम? मोहब्बत क्या कर रहे हैं, कोई पैगाम दे दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सबका, देखने वालों का और जितने भी दोस्त हमारी वीडियो को लाइक और पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके लिए भी बेहतरी हो सके, इनको भी मज़ीद जो है ना कस्टमर्स मिलें और ये आगे बढ़ के लोगों के काम आ सकें और इनको भी एक अच्छा रोज़गार मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।